Hello friends, welcome to our channel Finix. The one and only aim of our channel is to provide financial education of stock market and cryptocurrency. So subscribe our channel. ये हमारा first video है जिसमें हम share market के बारे में पढ़ेंगे कि share market है क्या, why is it in place, ये work कैसे करता है, इसके advantage, disadvantage क्या है और कैसे आप आपका money stock market में invest कर सकते हैं. बेसिकली थ्री टर्मिनोलॉजीज होती है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एंड इक्विटी मार्केट. इन तीनों का मीनिंग सेम ही होता है, किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर बाय और सेल करना. बाइंग ऑफ अ शेयर मीन्स कि किसी भी कंपनी का कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप बाय करना, इससे आप उस कंपनी के होल्डर बन जाते हो. बाइंग ऑफ शेयर मीन्स अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको मिलेगा, वहीं अगर उस कंपनी को लॉस होता है तो आपको उस लॉस को बियर भी करना पड़ेगा. सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने मुकेश अंबानी जी के रिलायंस कंपनी के शेयर बाय करे, अब वहीं अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको मिलेगा, वहीं अगर कंपनी को लॉस हुआ तो वो लॉस आपको भी बियर करना पड़ेगा. अब ये लॉस आप कैसे बियर करेंगे, आपका जो शेयर वैल्यू का जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा डाउन चले जाता है, डिपेंड ऑन द परसेंटेज. स्टॉक एक्सचेंज, हर कंट्री का अपना एक स्टॉक एक्सचेंज होता है. इंडिया की बेसिकली टू मेन स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अराउंड 1700 कंपनी रजिस्टर्ड है, वहीं पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखा जाए तो अराउंड 5400 कंपनी रजिस्टर्ड है. अब हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस जानी है इन कंपनीज की, कि ये जो ओवरऑल कंपनीज जो है इनके शेयर का प्राइस ऊपर जा रहे हैं, नीचे अप जा रहे हैं, डाउन, तो अब हम इसे कैसे देखेंगे, हाउ डू वी व्यू दिस. इसके लिए भी कुछ मेजरमेंट यूनिट्स है, बेसिकली दो है, सेंसेक एंड निफ्टी. हम सेंसेक की बात करते हैं. सेंसेक का फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स. ये अब तक के 60,000 मार्क्स से हाई गया है. इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज है. अभी मैंने आपको बताया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अराउंड 5400 कंपनी लिस्टेड है, तो उसमें जो भी बेस्ट टॉप 30 कंपनीज है वो सेंसेक के अंडर आती है. वो एक सेंसेक एक एवरेज ट्रेंड शो करता है कि ये जो कंपनीज है इनकी शेयर की वैल्यू अप जा रही है, डाउन, तो ये ट्रेंड कौन शो करता है, ये ट्रेंड हमें सेंसेक शो करता है. अगर यहीं पे मैं पास्ट 50 परफॉर्मेंस देखूँ सेंसेक की, तो सेंसेक सबसे ज़्यादा हाई 60,000 मार्क गया. ये जो नंबर है ना, ये खुद ही में बहुत बड़ा है, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस बता रहा है. अगर मैं यहीं पे सेंसेक की हम अराउंड पास्ट 50 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखें, तो सेंसेक ऊपर ही गया है फ्रॉम स्टार्टिंग टू नाउ. हमें इसकी परफॉर्मेंस बढ़ती भी ही दिखी है. वहीं पे मैं अब निफ्टी की बात करूँ, यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज, कितनी कंपनी रजिस्टर थी उसमें, 1700 कंपनी लिस्टेड थी अराउंड, उसमें से टॉप 50 कंपनीज जिसका परफॉर्मेंस ज़्यादा है वो लिस्टेड होती है निफ्टी में. ये उसका एवरेज ट्रेंड शो करता है कि ये जो कंपनी का मूवमेंट है ये ऊपर जा रहा है, नीचे, तो ये ट्रेंड कौन शो करता है, ये हमें निफ्टी शो करता है. अब मैं बेसिकली स्कैम्स की बात करती हूँ. बहुत सारे स्कैम्स हमने सुने होंगे कि कैसे लोग पैसा कमाते हैं. दो फेमस तो ज़रूर सुने होंगे, हर्षद मेहता स्कैम एंड सत्यम स्कैम. उसमें होता क्या है, हम लोगों से पैसे लेते हैं लोग और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं. सिंपल कलेक्टिंग द मनी एंड रन ऑफ, पैसे ऐंठना और उन्हें लिस्टेड करा देना एक स्टॉक एक्सचेंज में, यही स्कैम्स होता है. अब ये स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं पे स्टॉक एक्सचेंज को रियलाइज़ हुआ है कि उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये थोड़े स्ट्रॉन्गर होने चाहिए. सो दे डिसाइडेड कि हमें जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कर देना चाहिए, जहाँ पे स्कैम्स से हमारा एक्सचेंज, हमारा मार्केट में स्कैम्स से बच सके. स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो चेक करती है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तो मेंटेन हो रहे हैं. स्टॉक मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ पे कोई स्कैम तो नहीं हो रहा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ये सब कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करती है. अगर हम इन नॉर्म्स के अगेंस्ट जाते हैं तो हमें बहुत सारे
चीज़ें, हमें बहुत सारे फाइंस इन बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से जाना पड़ता है। जितनी भी कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में, ये सभी सेबी के रूल्स को फॉलो करती है। अगर आपको भी लिस्टेड होना है तो आपको भी ये नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही आपको स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के नॉलेज के लिए और वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेसिकली हम देखें तो आजकल लोग फालतू की रील्स और एडल्ट कंटेंट पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी एजुकेशन रील्स देखना नहीं चाह रहा है। इसीलिए हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पर हम आपको क्वालिटी वाइज और बेस्ट फाइनेंशियल एजुकेशन नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे आप कुछ सीख के अपनी लाइफ के फाइनेंशियली बेस्ट डिसीजन ले पाए। सो फॉर दिस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और यहाँ पे मैं और भी वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ। अगर आपको पसंद आए तो डोंट मिस इट, जल्दी वीडियोस आने वाली है। थैंक यू।